सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद बेल पे क्लिक कर दीजिए हमारा लेटेस्ट वीडियो पहले पाने के लिए। हाय दोस्तों, हम इस वीडियो में बजाज ऑटो स्टॉक के ऊपर एनालिसिस करने जा रहे हैं। दोस्तों, इस स्टॉक पे एक बहुत बड़ा बाइंग का सिग्नल आ रहा है। मैं आप लोगों को कैंडलस्टिक पैटर्न ओपन करके इसका एनालिसिस करके आपको दिखाऊंगा कि ये स्टॉक हमको कितना बड़ा मुनाफा दे सकता है। अगर आप ये स्टॉक पे बाइंग करेंगे तो आपको कहाँ पे स्टॉप लॉस रखना है और आपका टारगेट कौन सा लेवल पे रखना है, ये सारी चीज हम कैंडलस्टिक पैटर्न का एनालिसिस करके जानेंगे। लेकिन ये स्टॉक पे खरीदारी करने से पहले मैंने जितना का रिस्क आप लोगों को बताऊंगा, अगर आपके रिस्क टेकिंग कैपेसिटी के हिसाब से आप उतना बड़ा रिस्क ले पाएंगे तभी आप ये स्टॉक पे खरीदारी करके चलेंगे। आप जितना रिस्क मैनेज करके ट्रेड कर पाएंगे आप स्टॉक मार्केट में एक अच्छा खासा डिसेंट इनकम जनरेट कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, इस स्टॉक के कैंडलस्टिक पैटर्न ओपन करके हम समझते हैं कि ये स्टॉक पे हमको कैसे ट्रेड करना है। दोस्तों, मैंने यहाँ पे बजाज ऑटो का डेली चार्ट ओपन किया है और इसी डेली चार्ट के हिसाब से देखिए आज ये जो कैंडल पैटर्न बना है ये एक बुलिश कैंडल पैटर्न है। अगर आप ये कैंडल पैटर्न को देखेंगे ये ऑलमोस्ट एक हैमर पैटर्न फॉर्म किया है और अगर आप ये तीन दिन का कैंडल को देखेंगे ये ऑलमोस्ट एक बुलिश मॉर्निंग स्टार का पैटर्न फॉर्म कर रहा है और ये लास्ट दो दिन का ये जो कैंडल है ये बुलिश हरामी का पैटर्न फॉर्म कर रहा है। दो तीन दिनों से ये स्टॉक ऊपर जाने के लिए हमको सिग्नल दे रहा है और ये देखिए कौन सा लेवल पे हमको ऊपर जाने की सिग्नल दे रहा है, ये एक डबल बॉटम का लेवल को आने के बाद ये बाइंग का पैटर्न फॉर्म कर रहा है। अगर कोई भी स्टॉक डबल बॉटम का लेवल को आके बाइंग का कैंडल पैटर्न फॉर्म करता है तो मैक्सिमम चांस रहता है कि वो स्टॉक उसी लेवल से ऊपर की तरफ जाएगा। तो दोस्तों, ये स्टॉक ऊपर जाने के लिए हमको सिग्नल दे रहा है और जब ये बाइंग का पैटर्न बना के ऊपर जाने की सिग्नल दे रहा है, यहाँ पे देखिए मैंने वॉल्यूम को भी ऐड करके रखा है, इसका वॉल्यूम डे बाय डे ऊपर की तरफ जा रहा है। तो दोस्तों, हाई वॉल्यूम के साथ अगर कोई स्टॉक ऊपर जाने की कोशिश करता है तो और तेजी से ऊपर की तरफ जाता है। इसीलिए दोस्तों, ये और ज्यादा कॉन्फर्मेशन देता है कि स्टॉक ऊपर की तरफ जाएगा। और मैंने यहाँ पे देखिए ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करके रखा था और 5-6 दिनों से ये स्टॉक ट्रेंड लाइन के नीचे ट्रेड कर रहा था, लेकिन आज ये ट्रेंड लाइन को क्रॉस करके ऊपर जाके क्लोजिंग दिया है। तो ये हमको कॉन्फर्मेशन दे रहा है कि स्टॉक इसी लेवल से ऊपर की तरफ जाएगा। अगर आप इसी लेवल पे खरीदारी करेंगे तो आपको टारगेट कौन सा लेवल रहना चाहिए। बेसिकली ये स्टॉक के ऊपर हमको इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं करना है। मैंने ये जो वीडियो बना रहा हूँ ये बेसिकली स्विंग या पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए है। तो आपका जो बेसिक टारगेट रहेगा ये डबल टॉप का लेवल, जो डबल टॉप का लेवल आ रहा है 2884 से लेकर 2903 के अंदर, और ये लेवल को आप टारगेट मान के आज का जो हाई है अगर ये आज का हाई को क्रॉस करके ऊपर की तरफ जाएगा तो आज का हाई आया है 2743 पे। अगर ये लेवल को क्रॉस करके ऊपर की तरफ जाएगा तो अभी आप खरीदारी करेंगे और आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा आप आज का लो पे स्टॉप लॉस रख सकते हैं। देखिए आज का जो लो आया है 2701, तो इसी लेवल के आसपास आपका स्टॉप लॉस रहेगा और ये 2884 का लेवल को आप टारगेट मान के चलेंगे। तो देखिए यहाँ पे ऑलमोस्ट 1:4 रेशियो पे आपको ट्रेड मिल रहा है। तो अगर आप इसी पे खरीदारी करके चलते हैं और अगर ये स्टॉक इसी लेवल को क्रॉस करके ऊपर की तरफ जाता है तो हमको 4-5 दिन मतलब एक हफ्ते के अंदर ये टारगेट आ जाना चाहिए। और ये स्टॉक ऊपर जाने के लिए हमको और एक चीज कॉन्फर्मेशन देता है। देखिए ये जो लाइन मैंने ड्रॉ करके रखा है ये 50 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। तो ये 50 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को आज क्रॉस करके ऊपर जाके क्लोजिंग दिया है, इसीलिए दोस्तों मेजर चांस है कि स्टॉक ऊपर की तरफ जाएगा। लेकिन जब ये स्टॉक ये आज का हाई को क्रॉस करके ऊपर जाएगा तभी आप इस पे खरीदारी करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये था बजाज ऑटो स्टॉक के ऊपर मेरा टेक्निकल एनालिसिस और इसे टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से ये स्टॉक पे अभी खरीदारी करने के लिए मौका बन रहा है। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक कीजिए और ये वीडियो को सबके साथ शेयर कीजिए, क्योंकि अगर किसी को पोजिशनल या स्विंग ट्रेडिंग करना है तो उन लोगों को भी थोड़ा मदद मिल जाएगा। अगर आप पहली बार मेरा वीडियो को देख रहे हो तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं रोजाना आपके लिए ऐसे वीडियो लेके आता रहता हूँ। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।